हेलो दोस्तों, इनवर्स फंक्शन थ्योरम के भाग नंबर 2 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और पार्ट 1 का प्रूफ हम भाग नंबर 1 में देख चुके हैं, तो पार्ट 2 में हम जो बी पार्ट था उसका प्रूफ को देखेंगे। पहली बात, उसकी डेफिनेशन क्या थी। इफ जी इज इनवर्स ऑफ डिफाइन इन वी, और मुझे आशा है कि पहला पार्ट करके आप इसको देख रहे होंगे, क्योंकि पहला पार्ट जब आपका कंप्लीट होगा तब पार्ट बी आपके काम का होगा, क्योंकि पार्ट 1 की बहुत सारी चीजें इसमें यूज होंगी। तो पार्ट 1 को कंप्लीट करने के बाद ही इसको देखें। तो कंटिन्यू करते हैं हम। इफ जी इज इनवर्स ऑफ डिफाइन इन वी, डिफाइन बाई जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जी क्या है? इनवर्स ऑफ डिफाइन इन वी, और इस तरह से डिफाइन कर दिया कि जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स बिलोंग कर रहा है यू में, और देन जी बिलोंग करेगा सी डैस वी में। ये डेफिनेशन थी भाई। तो इस डेफिनेशन को हमने बताया था, अब प्रूफ को बताने जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी डेफिनेशन, जी क्या है? इनवर्स, और इस तरह से डिफाइन है, जी बिलोंग करेगा सी डैश वी में। तो लेट वाई बिलोंग टू वी एंड वाई प्लस के बिलोंग टू वी। वाई वी में बिलोंग कर रहा है और वाई प्लस के भी वी में। तो एफ ऑफ यू वी हमने किया था पहले पार्ट में। देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू यू, एक्स प्लस एच बिलोंग टू यू। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बताया था भाई हमने, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन भी दिखाई थी इस पर। वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। मतलब y तो एफ एक्स के इक्वल है और y प्लस के एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल है, ये हमने डिफाइन किया है भाई। v यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ phi, हम phi की डेफिनेशन को यूज करेंगे भाई। क्या थी phi की जो वैल्यू मैंने डिफाइन की थी, उस वैल्यू को बताइए भाई क्या थी। वो वैल्यू थी f फाई एक्स, एक्स प्लस ए इनवर्स था भाई वाई माइनस एफ एक्स। ये वैल्यू थी भाई, ये वैल्यू हमने डिफाइन करी थी भाई, ठीक है ना। फाई एक्स की वैल्यू होने के बाद हम मैंने इसी तरह से फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स को डिफाइन करना है इसी माध्यम से। फाइव एक्स की वैल्यू ये है, जहां पर फाइव एक्स प्लस एच को निकालेंगे ना आप, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। देखो जहां पर भी एक्स है, जो इस इक्वेशन में, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी फाइव की जो वैल्यू थी, यहां जहां पर एक्स है एक्स प्लस एच रख दो बस आप। एक्स है तो एक्स प्लस एच, मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और ए इनवर्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया भाई। अब एक माइनस का निशान है, ये लगा दिया। फाइव एक्स की वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक्स प्लस एच की तो हमने कर ली, अब फाइव एक्स की तो है ही ये। तो एक्स प्लस ए इनवर्स, तो भाई इस ब्रैकेट को हम यहाँ ना लिखने की बजाय आगे लिख देते हैं, एक्स प्लस ए इनवर्स वाई माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब लेफ्ट मेंबर तो है ही भाई, मैं इसको सोल्व करूंगा। एक्स प्लस एच ए इनवर्स वाई अंदर मल्टीप्लाई, और इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस ए इनवर्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और यहाँ तो क्या करेंगे हम, निशान चेंज होगा, ये माइनस है, इस माइनस को भी आप यहाँ लगा लीजिए। ये फाइव एक्स प्लस एच की वैल्यू थी, माइनस में फाइव एक्स, तो माइनस एक्स। अब देखो प्लस ए इनवर्स वाई होगा, एक माइनस बाहर है तो माइनस का ए इनवर्स वाई, माइनस का ए इनवर्स एफ एक्स होगा, एक माइनस बाहर तो प्लस ए इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, ए इनवर्स वाई कैंसिल होगा, एक्स भी कैंसिल होगा, ठीक है, ये कैंसिल होगा भाई। तो हम किस के साथ रहे हैं भाई, एच, और एक तो एच बचा है और एक ये, और एक ये। तो
तो अब यहाँ से मैं ए इनवर्स कॉमन ले रहा हूँ भाई, प्लस का इनवर्स कॉमन लिया है, तो एफ ऑफ एक्स लिख ले भाई पहले, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। लेफ्ट मेंबर इसी तरह है, मैं राइट को ही सोल्व कर रहा हूँ बस। अब देखो एच ए इनवर्स एफ ऑफ एक्स, स्टार इक्वेशन से देखिए आप, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल था और वाई प्लस के एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल था, वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई, और यहाँ पर वाई प्लस स्मॉल की, ठीक है। ये वैल्यू डिफाइन करने के बाद हम क्या किस रिजल्ट पर आएंगे, y इनवर्स y माइनस y प्लस k, ठीक है ना, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो हमने ये डिफाइन कर h प्लस a इनवर्स k, सॉरी स्टूडेंट्स हम यहाँ कुछ गड़बड़ कर गए हैं, देखिए ये यहाँ पर y था और फिर ये माइनस का y, तो ये यहाँ पर माइनस का आएगा ना, और फिर माइनस का आने के बाद ये माइनस और प्लस, यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा भाई हमारा एच माइनस इनवर्स के। तो फाइव एक्स प्लस एच, फाइव एक्स एच माइनस ए इनवर्स के, यहाँ तक हमने काम किया भाई। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ मोड अप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। मोड अप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर पाँच का सारा लेना चाहते हैं भाई। इक्वेशन नंबर पाँच में एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है फाइव, तो इसके जो दो पॉइंट है इनके डिफरेंस और सी की मल्टीप्लाई यही होगा ना, तो वो हम करेंगे, तो इसलिए मोड अप्लाई किया भाई। तो भाई हमने, हम ये लिख सकते हैं एच यूनिवर्स ये इक्वल है दोनों चीज़ें, तो हम इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लिख सकते हैं, और फिर हम इक्वेशन फाइव का यूज करें। देखो इक्वेशन नंबर फाइव है जो फाइव एक्स वन और फाइव एक्स टू लेस देन ऑफ, ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग थे, ये दो पॉइंट लिए थे यू में से, और फिर इनका जो डिफरेंस था और एक पॉइंट सी था कोई पॉइंट, वो जीरो वन ओपन इंटरवल के बीच में उनका डिफरेंस एक्स वन दोनों पॉइंट का डिफरेंस ये था ना, तो यही हमने डिफाइन करा है। x1 क्या है, x प्लस एच है, x1 क्या है भाई, x प्लस एच है, देखो c पॉइंट ऑफ है और x प्लस एच है और माइनस x है, ठीक है। तो हमने यहाँ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का सहारा लिया है और x x कैंसिल होने के बाद हम यहाँ तक आ गए भाई, ठीक है, क्योंकि आप फाइव एक्स वन मान लो इसको, फाइव एक्स वन है ये फाइव एक्स टू, अगर ये ऐसा होता फाइव एक्स वन माइनस एक्स टू, तो हम इसको ये लिख नहीं सकते लेस देन इक्वल टू हाफ, हाफ लिख दिया भाई, जो एक्स वन की वैल्यू है वो चेंज हुई है तो लो ये रख दी, और एक्स टू की वैल्यू एक्स है तो एक्स रख दी, ठीक है ना। तो इक्वेशन फाइव से हमारा ये रिजल्ट ड्राइव हुआ है, और ये तो इक्वल था ही, चल ही रहा था, तो यहाँ तक हम आए हैं, ठीक है ना भाई। तो मॉडुलस एच माइनस ए इनवर्स के को हमने भाई लेस देन इक्वल टू ऑफ एच मॉडल से दिखा दिया, ये दिखाने के बाद हम ये लिख सकते हैं कि इट फॉलोज दैट, मैं अकेले ए इनवर्स के को लिखना चाह रहा हूं, देखो कैसे इसको, क्या मैं ये लिख सकता हूं एच माइनस एच ए इनवर्स के, मॉडुलस तो है ही भाई, देखो मॉडुलस तो है एच माइनस, क्योंकि एच लिख सकता हूँ ना, एच से एच कट नहीं जाएगा, देखो एच से एच कटने के बाद, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो इस चीज को ये लिखा जा सकता है ना, इसलिए मैंने ये चीज और ये चीज इक्वल ही है, एच माइनस एच, एच से एच कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो ए इनवर्स के, तो इनवर्स के को ये लिख दिया। ये लिखने के बाद अब देखो हम इसको अलग अलग अप्लाई करेंगे, एच को हमने पढ़ लिया ये कई बार, तो अलग अलग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर अलग अप्लाई, यहाँ पर अलग, तो ये इक्वल का निशान लेस देन इक्वल में बदल जाएगा ना। अब देखो भाई मॉडुलस एच लेस देन इक्वल, तो ये किसके इक्वल थी वैल्यू, एच माइनस ए इनवर्स के, एच माइनस ए इनवर्स के मोड ऑफ एच के इक्वल थी ना, तो वही मैं सिंपली यहाँ पर क्या रख सकता हूँ,
माइनस तो एच डी इसकी जगह ये हाफ मॉडुलस एच। आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे टू मॉडुलस एच और एक मॉडुलस एच, तो एक यहाँ पर मॉडुलस एच आएगा डिवाइड बाई टू। यहाँ तक समझ में आया है? तो अब मैम जो हमारा थोड़ा सा काम है समझाने का वो देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, देखिएगा ये जो एच मॉडुलस ए इनवर्स के है, ए इनवर्स के मॉडुलस लेस देन एच बाई टू दिखा रखे हैं मैंने, तो ये टू यहाँ मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, तो वहां क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई लेस देन मॉडुलस एच। ठीक है, के बाद एक बात देखो हमारा रिजल्ट होता है एक जेड वन माइनस जेड टू इसका मोड लेस ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जेड वन माइनस जेड टू के इंडिविजुअल लॉग मोड को अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट से हमारी इनक्वालिटी चेंज होगी, हमने चेंज नहीं की, ध्यान से देखिए ए इनवर्स के की वैल्यू बता दी लेस देन है। अब ये जेड वन इसको मतलब आप ये कंसीडर कीजिए और इसको जेड वन माइनस जेड टू कंसीडर कीजिए, तो इनक्वालिटी चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, तो हमने ये चेंज कर दी भाई, चेंज होगी ना, तो ये चेंज होनी थी भाई, ठीक है इनक्वालिटी चेंज कर दी भाई हमने। तो हम इस रिजल्ट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मॉडुलस एच ये होगा, क्योंकि इस तरह क्लोज है तो क्लोज, मतलब इस तरफ क्लोज है इस तरफ ओपन है, तो ये लिख नहीं सकते भाई, इस तरफ ओपन करके लिख सकते हैं इस रिजल्ट को, ये लिख लो या ये लिख लो सेम चीज है। तो यहाँ तक हमने काम किया भाई, ठीक है, तो भाई हमने मॉडुलस एच को लेस देन इक्वल टू दिखा दिया दो इनवर्स केस, ठीक है, तो भाई मॉडुलस एच लेस देन हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं भाई अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पर नॉर्म अप्लाई कर दें क्योंकि एक इक्वेशन में मैंने इसकी वैल्यू को डिफाइन किया था, क्या किया था डिफाइन, यही किया था ना, सॉरी लैम्डा नहीं कैंसिल होगा टू कैंसिल होगा है ना, तो यहाँ से मैं लैम्डा इनवर्स के, तो अब जो एच है उसकी वैल्यू को मैंने ये डिफाइन कर दिया लैम्डा इनवर्स के का मोड। तो भाई ये होने के बाद हम ये कहेंगे कि बाई इक्वेशन वन एंड टू वी हैव, इक्वेशन वन और टू से हम क्या कहेंगे कि एफ डैश एक्स हैज इनवर्स, और उस इनवर्स को मैंने टी का नाम दे दिया भाई, ठीक है, फर्दर वी सी दैट, हम आगे देखते हैं भाई जी वाई प्लस के, ये जो टर्म मैं अब बता रहा हूं ना ये कंसीडर करनी है आपने जी वाई टी के, ठीक है, इस टर्म को कंसीडर किया भाई हमने, तो इस टर्म को कंसीडर करने के बाद देखो y प्लस के क्या था f ऑफ x प्लस था, f ऑफ x प्लस h था, और जी वाई क्या था f ऑफ x था स्टार इक्वेशन से, ठीक है ना, और ये t के h t, ठीक है भाई यहाँ तक हमने ये काम किया, ठीक है ना भाई, यहाँ हमने इक्वेशन वन और टू से क्या बताया कि एफ डैश एक्स एक इनवर्स रखेगा जिसको हम टी कहेंगे, तो देखो वन इक्वेशन में हमने ये बताया था कि ए इनवर्स को डिफाइन किया था, और टू इक्वेशन में हमने ये बताया था कि एफ डैश एक्स लेस देन लैम्डा है, तो ठीक है ना, ये बताने के बाद अब हमने जो हमारी गिवन कंडीशन थी ये गिवन है कि जी पार्ट बी का जो डेफिनेशन है उसमें क्या है जी इनवर्स ऑफ डिफाइन इन वी और जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है,
तो इसी चीज का हम सहारा लेंगे भाई अब, ठीक है ना। ये डेफिनेशन में ही गिवन है कि जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ पर देखिए, ये लेफ्ट मेंबर तो चल ही रहा है भाई। अब देखो जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच होगा मतलब, और ये क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स एक्स है, तो मतलब जी ऑफ एफ एक्स ये एक्स के इक्वल है, तो ये क्या होगा, यहाँ वाई होता तो वाई के इक्वल जेड होता, तो जी ऑफ एफ जेड जेड के इक्वल, जी ऑफ एफ एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच के इक्वल, और ये टी के तो एच डी जी। तो वही यहाँ से एक्स कैंसिल, तो एच माइनस टी के हमारे पास आया। तो हमने जो ये वैल्यू थी इस वैल्यू को इसके इक्वल दिखा दिया भाई, ठीक है। ये दिखाने के बाद अब मैं इसी मेंबर को सोल्व कर रहा हूँ, राइट वाले को सोल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट को नहीं छेड़ रहा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ टी, आपने यहाँ पर एक बार कारण भी डाल दें कि भाई क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स है ना, तभी तो हमने यहाँ एक्स रख दिया, तभी मैंने एक्स प्लस एच, ये कारण था भैया। तो हम अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं, देखो ये टी, टी क्या था, इनवर्स था, तो एफ डैश एक्स एच टी वाई प्लस के माइनस का वाई, हम इस चीज को ये लिख सकते हैं भाई। देखो क्यों लिख सकते हैं, एक बात बताया, एफ डैश एक्स इसका इनवर्स और एफ डैश एक्स क्या होगा, ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा ना, और टी क्या है, इनवर्स है, मतलब टी की वैल्यू ये है, और टी की वैल्यू अगर ये है तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी, तो इसको एच ही रहेगा भाई ये। अब टी के लेना हमने, देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, यहाँ पर सोल्व करें, माइनस का टी वाई माइनस का टी के और माइनस का नहीं होगा ये, प्लस का टी वाई, तो ये कैंसिल, तो माइनस का टी के ही तो बचा, तो ये इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हम रख सकते हैं। अब ये वैल्यू रखने के बाद टी एफ डैश एक्स एच, और यहाँ पर देखो टी वाई प्लस के की जगह है, मैं क्या रख सकता हूँ, एफ एक्स प्लस एच रख सकता हूँ, और यहाँ एफ ऑफ एक्स, ये तो हमारा कारण था भाई, ठीक है, ये रख सकता हूँ। देखो कहाँ से इक्वेशन स्टार, देखो जो इक्वेशन स्टार थी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और वाई प्लस के एफ ओफ एक्स प्लस एच, ये हमने यूज किया भाई, तो वाई प्लस के एफ ओफ एक्स प्लस एच और ये एफ ओफ एक्स। यहाँ तक आने के बाद देखो हमने ये लिख दिया कि बाई इक्वेशन स्टार से हमने ये वैल्यू रिप्लेस की है भाई, तो टी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एफ डैश एक्स एच, और यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो एफ एक्स प्लस एच है ना, माइनस अंदर जाएगा तो एफ ओफ एक्स, ठीक है भाई ये वैल्यू आई। अब देखो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ ओफ एक्स प्लस एच प्लस का हो जाएगा भाई, माइनस का है, और एफ ओफ एक्स माइनस का हो जाएगा, और ये भी एफ डैश एक्स एच ये भी माइनस का हो जाएगा। हम अब कंप्लीटली जो टर्म को लिखेंगे क्या थी, जी वाई प्लस के और जी वाई टी के यही थी ना, इसको हमने दिखा दिया भाई इसके इक्वल, माइनस टी एफ ओफ एक्स प्लस एच एफ ओफ एक्स और एफ डैश एक्स और एच, यहाँ पर लिख दूँ भाई जगह नहीं है इसमें, और इस चीज़ के इक्वल हमने दिखा दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को इस चीज़ के इक्वल दिखाने के बाद देखो भाई, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ भाई, जी वाई प्लस के जी वाई माइनस टी के, इसको मैंने ये दिखाया है माइनस टी एफ ओफ एक्स प्लस एच एफ ओफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स एच, ये दिखाया ना। अब देखो अब हम दोनों तरफ क्या कर दें, मोड अप्लाई करते भाई, कर दिया भाई मोड अप्लाई, ठीक है, तो कर दिया भाई।
और मॉडल ऑफ के से डिवाइड भी कर दें, ठीक है। तो हम कर सकते हैं ये काम, हमने इस वैल्यू को ये दिखा दिया था, फिर मॉड अप्लाई किया है, मॉड प्लस के से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया है। तो अगले स्टेप में भाई मैं इस टर्म को ले रहा हूँ बस, अब इसको ही सोल्व, हम बार बार क्यों लिखे इसको, तो लेस देन इक्वल का निशान आ जाएगा क्योंकि मैं मॉडुलस को अलग अलग अप्लाई करने जा रहा हूँ भाई, अलग अलग अप्लाई करूंगा। यार डबल मॉडुल लगा लो, एक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो खत्म ही हो जाएगा। एफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स एच, ठीक है। और इस पर एक मॉडुलस है भाई पूरी रकम पर, और इसके अपोन में के है भाई, हमने एक रिजल्ट ड्राइव किया था। देखिए भाई ये रिजल्ट क्या था, एच हमने किया था ना, ये मॉडुलस एच लेस देन लैम्डा इनवर्स के इक्वल था। तो इस रिजल्ट का हम सारा लेंगे, क्या था, मैं इस रिजल्ट को लिखना चाहूँ तो मॉडुलस एच लेस देन लैम्डा इनवर्स के, ये था। इसका सारा लेने के बाद अगर हम के की वैल्यू यहाँ से जनरेट करें, क्योंकि इसके जो अपोन में है वो के है ना, तो मैं इस साइड को उठाकर चल रहा हूँ, तो देखो के की वैल्यू अगर हम जनरेट करें तो के उस साइड रहेगा भाई, ये वन बाई लैम्डा है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, लैम्डा मॉडुलस एच हो जाएगा, वन बाई लैम्डा नहीं है ये, तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये वैल्यू आई है भाई। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स एच, ये है। यहाँ पर मैं वैल्यू रख सकता हूँ भाई इसकी, क्या आई है, लैम्डा एच, यही तो आई है। इस वैल्यू को रखने के बाद तो आप पाँच तक तो हमने बना दी थी, इसको आप इक्वेशन नंबर छः का नाम दे दीजिए, वैसे ही हमने नाम दे दिया, ठीक है, छः नाम दे दिया। अब छः से हम ये लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो रिजल्ट यहाँ हुआ है ना, वो बाई इक्वेशन सिक्स हुआ है, सिक्स आया है भाई ये, ठीक है। अब ये देखें, नाउ इक्वेशन सिक्स शोज दैट, इक्वेशन ने देखो भाई के टेन टू जीरो और एस टेन टू जीरो अप्लाई करो, तो देखो लिमिट अप्लाई करेंगे भाई के टेन टू जीरो, तो हमारा क्या था, जी वाई प्लस के जी वाई और टी के, ये हमने डिफाइन की थी ना, जो हमारी लेफ्ट साइड थी और मॉडुलस के अपोन में था, और यहाँ पर मोड था भाई, और ये हमने लेस देन दिखाई थी नॉर्म टी लैम्डा, और हमने यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एस टेन टू जीरो एफ ओफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ओफ एक्स, ठीक है, और माइनस में एफ डैश एक्स एच, यहाँ नहीं जगह थी तो, और इसके डिवाइड में क्या है, देखो लैम्डा एच था भाई यहाँ पर, लैम्डा एच है तो हमने लैम्डा तो यहाँ ले लिया, तो मॉडुलस एच इसके नीचे ले लिया, ठीक है भाई, यहाँ तक हमने काम किया। तो हमारी ये लेफ्ट साइड आई और ये राइट साइड आई, केवल मैं इस लेफ्ट साइड को उठाता हूँ इसको, तो देखो अगर के टेन टू जीरो करूँगा तो यहाँ जीरो जी वाई और माइनस का जी वाई कैंसिल, और यहाँ पर जीरो तो जीरो, सारा जीरो रिजल्ट हुआ। तो जीरो रिजल्ट होने के बाद देखें आप, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारा रिजल्ट है, हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट के टेन टू जीरो जी वाई प्लस के जी वाई माइनस टी के और अपोन में मॉडल्स के, ये भाई जीरो के इक्वल आ गया सारा रिजल्ट, ये जीरो तो ये इक्वल है तो जीरो ही है। अब तो हम ये कहेंगे कि भाई जी डैश वाई इज इक्वल टू टी, ये रिजल्ट आया, तो हम दस जी डैश वाई इज इक्वल टू टी, टी क्या था भाई हमारा, एफ डैश एक्स का इनवर्स, तो हम इसको एफ डैश एक्स जी वाई और भाई इस
सारे का इनवर्स ये लिख सकते हैं, क्योंकि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो क्या होगा जी ऑफ वाई, ये वाई के इक्वल था ना, जी ऑफ वाई भी एक्स के इक्वल होगा, तो यहाँ से तो हमने ये रिजल्ट आया, तो भाई हमने ये रिजल्ट बताया है। तो अब देखो, सिंस जी इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन है भाई ये, क्योंकि जी डैश वाई इज इक्वल टू टी है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, जी कंटिन्यूज भी होगा, तो दिस इंप्लाई दिस जी इज कंटिन्यूज, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूज होता है, तो ये कंटिन्यूज मैपिंग है भाई, कंटिन्यूज मैपिंग ऑफ वी इनटू यू। तो आल्सो एफ डैश इज कंटिन्यूज, कंटिन्यूज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैपिंग ऑन यू, ठीक है। सो वी नो दैट, अब कंपोजिशन करेंगे, देखो एफ डैश भी हमारा कंटिन्यूज हुआ भाई, और जी वाई जी भी हमारा, मतलब जी वाई भी हमारा कंटिन्यूज हुआ। अब दो फंक्शनों की, दो कंटिन्यूज फंक्शनों की हम कंपोजिशन करेंगे, तो वो भी कंटिन्यूज ही तो होगी, तो बस अब हम लिखने लग रहे हैं। सो वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूज मैपिंग, मैपिंग फंक्शन कुछ भी मतलब मैपिंग है, यहाँ पर मैपिंग कहो या फंक्शन कहो आपकी मर्जी, फंक्शन इज कंटिन्यूज, ठीक है ना, सॉरी आप यहाँ पर मैपिंग का जिक्र है तो मैपिंग कहो, फंक्शन दो कंटिन्यूज फंक्शन की जो मैपिंग होगी वो भी कंटिन्यूज होगी, या दो कंटिन्यूज फंक्शन होंगे उनकी आप कंपोजिशन करोगे ना, वो भी कंटिन्यूज ही होगी, ठीक है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि एफ डैश जी ऑफ आई हमारी कंपोजिशन थी, ये भी कंटिन्यूज होगी, ठीक है, एफ डैश कंटिन्यूज, ये भी कंटिन्यूज, तो कंपोजिशन कंटिन्यूज, और ये कंटिन्यूज तो इसका इनवर्स भी कंटिन्यूज, इज कंटिन्यूज, ठीक है, क्यों बताओ भाई, इनवर्स, इनवर्स इज कंटिन्यूज लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ कंटिन्यूज फंक्शन इज कंटिन्यूज, क्योंकि भाई इनवर्स होगा कंटिन्यूज फंक्शन का, वो भी क्या होगा कंटिन्यूज, इसका मतलब तो जी वाई भी क्या होगा कंटिन्यूज, इसका मतलब तो जी बिलोंग करेगा सी डैश में, ठीक है भाई, तो ठीक है ना भाई, तो जी कहाँ पर बिलोंग करेगा सी डैश में, यही तो हमने प्रूव करना था। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आया होगा मैं आशा करता हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद।